है कि बीएसपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। अभी हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से शामली में कुछ दलित मतदाताओं को वोट देने से रोका गया था, पर्ची में, मतदाता पर्ची में उनका नाम था, सूची में उनका नाम था, बावजूद इसके उनको बूथ से लौटा दिया गया, उन्हें वोट नहीं देने दिया गया। इसकी शिकायत बीएसपी ने चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग को की है और बीएसपी ने आरोप लगाया है कि बहुत सारे दलित मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर पहुंचने से रोका जा रहा है और ये काम पुलिस, इसमें पुलिस भी शामिल है और पुलिस का इस्तेमाल करके ये किया जा रहा है उनके मतदाताओं को डराने धमकाने का, उनको पोलिंग बूथ तक पहुंचने से रोकने का काम कर रही है पुलिस। ये सब ऊपर बैठे लोगों के इशारे पर किया जा रहा है और इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। आपको बता दें कि कैराना के शामली के पोलिंग स्टेशन पर 25 से 30 लोग बिना डॉक्यूमेंट के वोट डालने पहुंचे थे। वोटर आईडी या अन्य को आईडी प्रूफ न होने, अन्य कोई आईडी प्रूफ नहीं होने पर उन्हें वोट डालने से मना कर दिया गया था और इस पर वे लोग अड़ गए और पोलिंग बूथ से जाने से मना कर दिया था। वहां तैनात सुरक्षा बलों ने हवा में फायर करके उन्हें वहां से भगाया था। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शामली में ये घटना हुई। उस समय हमने कुछ तस्वीरें दिखाई थी जिसमें जो कुछ वोटर जो दलित वर्ग के थे वो कैमरे के सामने रो कर बता रहे थे कि किस तरीके से उन्हें वोटिंग करने से रोका जा रहा है। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शामली की, जहां पर कि वोटिंग को लेकर, वोटिंग नहीं करने दिए जाने के विरोध में बहुत सारे मतदाता वहां इकट्ठा हो गए थे, जिनकी बाद में पुलिस कर्मियों से वहां झड़प हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए। और इस मामले में फिर बाद में जब अधिकारियों से बात की गई, क्या कहा उन्होंने, क्या सफाई दी इस घटना पर, एक बार सुनिए। कहीं भी अगर कोई मतदाता मतदान डालने जा रहा है, चाहे वो पर्दा नसी हो या कोई महिला या कोई व्यक्ति है, तो पहले अगर पर्दा नसी है तो महिला कर्मचारी वहाँ होती हैं जिनके, जो उनका पहचान सुनिश्चित करते हैं, उसके बाद ही किसी को वोट डालने दिया जाता है। इस मामले में कहीं भी इस तरह का कोई जो है मामला संज्ञान में और नहीं आया है और कहीं ऐसा संभव भी नहीं बिना पहचान सुनिश्चित किए वोट नहीं। देखिए, ये प्राथमिक विद्यालय रसूल गुजरान है, यहाँ पर दो बूथ हैं। इस दो बूथ पर अभी करीब एक घंटा पहले ये सूचना मिली कि कुछ लोगों ने जबरदस्ती बिना आईडी के मतदान करने का प्रयास किया, जिसको यहाँ पर हमारा बीएसएफ का मुकाबला है, उन लोगों ने रोका। और रोकने के बाद, क्योंकि उसकी यहाँ की सुरक्षा का जो प्रश्न था, इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिए हवाई फायरिंग की। रसूलपुर जाटान, ये वो गांव है जिसको कि